अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इससे भी ऊँचा बोलना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाय मेरी लाइटिंग है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम म्यूज़ियम में आए हैं, कुरान का म्यूज़ियम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीछे हम नहीं बना सके वीडियो, प्रॉब्लम थी थोड़ी, इसलिए वो संभाल आ गए। बैक कैमरा से, फ्रंट से नहीं। आज हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे कुरान है बहुत सारे, मतलब कुरान का म्यूज़ियम है, हरम के बिल्कुल साथ है, सामने वहाँ पे हमारे गेट नंबर बाथरूम बनाएंगे, बाथरूम नंबर 3 से सीधा आ गया। तो बैक कैमरा करते जाएंगे हम, चल के खाते हैं। एक तो आ गई है, मेरा कसूर नहीं है। इधर से राइट से भी बहुत रश है। कितने साल पुराना है मोइस? 888 66 888 है। अच्छा 888 है, 888 साल पुरानी है क्या? उर्दू इंग्लिश में 160 50 आई सेट हमारी गई है भाई। देख इस बंदे को पहले बनाने देते हैं। तुमने ज़ूम किया हुआ था? मैं बताऊँ मेरा हाथ लंबा था, अंदर तक दिखा रहे ना कितने साल बनाने की तरह। ये फ्रंट वाला एक पुराने 295 साल पुराना, ये कितने साल पुराना भाई? ज़ूम किया जाए तकरीबन थोड़ी बहुत तो जा ही रही होगी। कुरान ज़्यादा दिखा रहे थे ना, देख कितना लाइटिंग। आ जा अब हमारी बारी है, ये ले तू बना बस अच्छी तरह बना। ये नहीं सब ये यहाँ स्टार्ट करना फर्स्ट से। जल्दी कर बना, जल्दी कर बना। इधर ये कितने साल पुराना? 949 sene önce Endülüs'te yazılmış. Yaprakları ceylan birisi. Bu Kur'an-ı Kerim 700 senelik, bunun yaprakları da ceylan birisi. Afgani, Türkiye mi?
Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun, Kur'an-ı Kerim. Jaate hai na par main jata hu idhar mujhe kya hai. Ve bunun yazarı Hüseyin bin Muhammed as-Sivas, Sivaslı. Bak hamşerimiz bu Kur'an-ı Kerim'e dededir yani. Abi dokuz sene önce dede doğuyor. Bu da 500 senelik Kur'an-ı Kerim. Çekebilir miyim? Tabii tabii. Flashsız çekebilirsiniz. 5 sene önce yazılmış. Bunun yazarı Şeyh Abdullah el-Amasi, Amasyalı. Bu Hatat, Fatih Sultan Mehmet zamanında yaşamış. Ve 47 tane Kur'an-ı Kerim yazmış. वो इधर के फिर बाद में ना बना ले वो हालात के सब आ गए लोग वो काई ज्यादा आगे चलते हैं कैसे हो गए यार ये काम पूरी हो गए एकदम अच्छा ना ना अगर आग लग जाए Yuh bana kanka. Şimdi burada bu dur dur dur. Ey Kur'an. रानी यहाँ पे कितने बड़े बड़े कुरान रानी यहाँ पे खड़ा हो जरा कंपैरिजन करे ना एक बेड होता है अच्छा ये पड़ी है क्या सर ये गोल्ड में लिखा हुआ है पुराने जमाने का गोल्ड लग रहा है बहुत पुराना है चल आ जा आगे ये यहां स्टार्ट कर ये कह रहे हैं पेज से इधर आने नहीं है एक पेज खाली था ना इधर भी है एक हाँ तुमने ही लिखा था 140 ये प्यारा लिखा ना ब्लू में इस बंदे ने लिखा था भाई सुल्तान अब्दुल मजीद जो 1238 में बोर्न हुआ था देख गोल्ड में लिखा बस मेरा था बनता ना मेरा से पूरा प्लान उस तरह पूरा हो गया वहां पे ये उस तरफ लगा के उस तरफ सीधा कैमरा रखना छोड़ दे एक मिनट छोड़ एक मिनट गोल्ड नहीं है वो
900 कुछ 900 वाला ये 500 वाला 595 यानी 600 कर ले मैक्सिमम 600 साल पुराना कुरान कुरान 600 साल बोलना आसान है ये देख 727 निकाल दे रहा लगता है ये इस पारा लिखा हुआ है कुरान है सिर्फ एक पारा लिखा हुआ है कुरान ही हाँ सिर्फ एक एक यानी पार्ट लिखा था तब तब तो एक एक पार्ट आते थे कौन सा पूरा कुरान आता था चल भाई आगे चल चल नेक्स्ट आ जाके लो इमरान को सही जॉब मिली पिक्चरें खींच रही इन पे किसी पे भी इनका नंबर नहीं लिखा कितने साल पुराना है ये देना था मैग्नीफाइंग ग्लास इधर कर पढ़ रहा क्या लिखा ऐसे साफ इस तरह कितना बड़ा लग रहा है कितने बड़े करेगा वो भी एक और भी लिखा अब उधर जा नहीं सकते यहीं से दिखा दे इस तरह ये भी चला कोई चला सकता है 11 मिनट की वीडियो होगी व्लॉग मैंने ये भी आ रहा है क्या मेहराब मेहराब पढ़ना पड़ेगा कैबिनेट थी मेहराब देख ऊपर देखा क्या लिखा है इधर इधर ऊपर ऊपर ये अब बाकी ऐसे ही है सारा बाकी कंप्यूटर लगे हैं अब कुरान सारे वही थे पीछे यहाँ पे यानी हम बैठ के देख रहे थे सारे टीवी एलजी का है कितने इंच का ये होगा 70 75 से नीचे तो नहीं चाहिए प्यारे डिजाइनिंग है वो देख इधर ये जो ब्लू ब्लू दिखा इनको 12 मिनट की वीडियो ये भी गोल्ड में नहीं लिखा हुआ है ये गोल्ड में नहीं है हाँ ये गोल्ड में नहीं है इमरान तू चलता जा मैं तेरी वीडियो इमरान होश चल रहे हैं हमारे ये यानी क्या किए हमने ना उस तरफ से बनाया जहाँ से मेन में ये स्टार्टिंग है यहाँ पे इतना मेन नहीं है ये स्टार्टिंग नहीं है एग्जिट है और ये यहाँ पे इन्होंने हर जगह पे कंप्यूटर वगैरह लगाए हुए हैं यूज़ करने के लिए ये आपको मेरी कौन सी किताब से ये सब किताबें हम पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी बना जैसा मतलब खड़े होके पढ़ते जाओ इमरान यार यहाँ पे क्या इन्हें देखिए ये किताब वगैरह हम पढ़ सकते हैं इंग्लिश चाहिए भैया इंग्लिश का नाम है इंग्लिश ये तो अभी खोली थी ना ये लिखा हुआ है इंग्लिश हाँ इंग्लिश तफसीर बुक्स तदब्बुर फैत एंड तौहीद ये सारी बुक्स पढ़ी है ना इधर ये ना आप पढ़ सकते हैं ये देखें आप पूरी आपको तफसीर वगैरह मिलेगी ये पूरी जो अरे इमरान यहाँ पे एलजी वालों ने ठेका लेके रखा हुआ इतने बड़े बड़े टीवी इमरान का ऊपर खाली है इधर लाइटिंग सही है सही रेजोल्यूशन काले आ रहे और यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है विजुअल डिस्प्ले वॉइस बॉर्ड 2-3 दिखा दे
1 2 3 4 Quran yahan itna bada aap mat dikhao screen hai kitni badi bana inka information kahin pe nahi speaker piece laga yaar tu khada ja ke acha idhar hi khad aa gaya bhai banda chala aa gaya idhar hi khad ja Thank you very much. Thank you very much. ना जब क्लास में सर हाथ नहीं खड़ा कराते लंबा लंबा वो एक डेल वालों ने ठेका ले लिया अब नहीं आ रहा मैं अब आ रहा हल्का सा आगे वाला आ जाएगा चलो आखिरी वाला टीम इस का बस छोड़ दे बस चल देख लिया इधर नहीं दबाना उधर ओह सॉरी आई एम कंफ्यूज यानी आप देखें पढ़ सकते हैं भाई क्या क्या था المخرج من هنا هذا المخرج هنا ये देखिए आप इस तरह आगे भी जा सकते हैं आगे لا من هنا المخرج في نفس المحل اب ये देख पहले ये है पुरानी यहां पे फोटो शूट होना चाहिए लाइटिंग का आ रही है इमरान डीएसएलआर जैसी पिक कर मैं कहूं इस पूरी मूवी में यार छोड़ दे इमरान बस मेरी आ गई है सही है ये हां एंडिंग ही आ गया वहाँ से एग्जिट ये तो फुल गोल्ड से ना इधर लाइट ही नहीं लगी हुई नजर नहीं आ रही लाइट वगैरह थोड़ी दूर लगा दी है यहाँ थोड़ा सन्नाटा भी है बस तेरी मरी जल्दी तू मुझे जल्दी कर रहा है अच्छा जी द फैमिली and the family and the holy quran iske bare mein unhone koi information nahi likhi ye kya hai kya yani khali hai bilkul yani tarfiya nahi mujhe left pe chalte hain yaar ye yahan pe bacche baith ke yani jo quran wagera padhna chahte hain yahan baith ke pad sakte hain hat ja thoda kala sa lag raha hai ab kya kar sakte hain अच्छा ये भी एलजी वालों ने ठेका लिया सही है मोज चलाने वाला बंदा होना चाहिए देख हमें क्या चाहिए हट पीछे देख देख ये मस्त ये सही चल रहा है ठीक है भाई तेरी वीडियो बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मेरे अब्बू काम करते सब पढ़ लो और हर जगह तेरे अब्बू ही है बस यहाँ पे कुरान पढ़ते हैं ये कुरान प्रिंटिंग में इसके अब्बू काम करते हैं भाई देख लो भाई देख लो भाई देख लो बहुत मेरा कहना इस तरह तख्तियों पे लिखते थे ना पहले कुरान है ये क्या है ये आ जाए ये जो किंग फहद की लाइब्रेरी वगैरह थी किंग फहद कॉम्प्लेक्स कुरान बनाते ना ये सारे
इससे छोटा साइज हरम में रखा होता है ना, ये बड़ा थोड़ा साइज, ये वो कुरान है जो चीन यहाँ के सऊदीया का किंग है ना, और उसके जो मतलब प्रिंस वगैरह यूज करते हैं वो कुरान है। इसकी तो पढ़ाई देख कितनी प्यारी लिखी है, कवर देख इसका, ये लग रहा है गोल्ड, पता नहीं गोल्ड ही होगा। ये खताती की चीज़ें सिर्फ लिखते हैं सारा कुरान, लग रहा है ऐसा लग रहा है प्रिंट किया हुआ, देख लिखा हुआ है हाथ से। चल चलते हैं आगे। आगे क्या भाई, फेयरवेल ख़त्म, ये स्क्रीन है ये ख़त्म। मोइस दोबारा फ्रंट कैमरा करते हैं, आगे फ्रंट हम वापस आ गए, बहुत देर पीछे वाला कैमरा चलाए रखा, अब एंड पे आ गए हम तो ख़त्म होने वाला आज का व्लॉग, यही था व्लॉग नंबर 5। हम काफ़ी देर के बाद दोबारा ऑनलाइन हुए, होप आपको पसंद आए, अल्लाह हाफिज। बोल कुछ, अभी हम अलबैक में बैठे हुए हैं, अलबैक खा रहे हैं, अलबैक का हॉल है, अलबैक बैग लगा हुआ है, देख 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 वे खा रहे हैं हम लोग बैठ के, ये साथ में व्यू है नीचे बाहर का, तोड़ तोड़ सब तोड़ सब तोड़।